ऊपर और ऊपर महाराष्ट्र में मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो चार लोकसभा क्षेत्रों की है और मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले चुनाव में जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद देगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्ष सेवा समर्पण और गरीब कल्याण के लिए दिए, देश की और गरीब की सेवा की है और पूरे समर्पण भाव के साथ देश को आगे ले जाने का काम किया है। और गरीबों का जो उत्थान पिछले 9 वर्षों में हुआ है वो आंकड़े बताते हैं कि 3.5 करोड़ पक्के मकान बनाना, 11 करोड़ से ज़्यादा पानी के कनेक्शन देना, 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर देना और यही नहीं लगभग 11 करोड़ शौचालय बना कर देना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में देना, ऐसी अन्य योजनाएं जिसका गरीबों को लाभ मिला, उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। यही कारण है कि गरीबों का आशीर्वाद और व्यापारी मध्यम वर्ग का आशीर्वाद, जिनका उद्योग आगे बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, उनका आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ। महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना इस वक्त की जाए तो ये कहा जा रहा है कि इस वक्त NCP की जो चर्चा है वो भी कहीं ना कहीं भाजपा के साथ आने की चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चल रही है, क्या कहते हैं इसको? राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहती है, कुछ खबरों का आनंद उठाना चाहिए। सर केसीवाल मतलब मिलने पहुंचे थे अंदर खाते से विपक्षी एकता को देखकर, भ्रष्टाचार में घिरे दल एक दूसरे का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये महाठगबंधन कभी भी पहले प्रयास किया कि जनता ने कभी स्वीकारा नहीं है, ना ही आगे स्वीकारेंगे, क्योंकि जिसका आधार बगैर किसी नीति के, बगैर किसी नेता के, बगैर किसी नेतृत्व के हो, उसका आधार क्या होगा? ये तो केवल अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, जेल ना जाने के लिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे। सर एक अंतिम सवाल, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या कर दी गई पुलिस सुरक्षा में, जो विपक्ष के सारे नेता एक सुर में बात कर रहे हैं घटना के बाद, यही माफिया वाले जब आम जनमानस पर व्यापारी पर प्रहार करते थे, मारते थे, दबाकर वसूली करते थे, तब इनमें से आप में से किसी नेता को बोलते हुए नहीं सुना, क्योंकि यही नेता इन्हीं माफिया और डॉन के घरों में जाकर चाय पीते थे, उनकी राजनीति में, उनकी सरकारों में इनको संरक्षण मिलता था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये सब इनके लिए क्यों बोलते हैं।